चाँदपुर दोस्तों, खास तौर से जो है कि ये वाराणसी पड़ता है और यहाँ पर जो है कि बड़ा बैंक भी है पास दोस्तों, और उसी के पास जो है लक्ष्मी पाल जी जो है अपना एक छोटा सा मतलब दुकान चलाती हैं, और उस दुकान में खास तौर से ये जलेबी बेचती हैं और पूरी सब्जी बेचती हैं, और ये बहुत मतलब कि सोशल वर्कर हैं और खास तौर से 20 साल से ये दुकान लगाती हैं। इसी के पास जो मतलब कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी हैं, लोग खाने के लिए आते हैं। ये सिर्फ 10 रुपये में 6 पूड़ी देती हैं। इसमें इसका सब्जी बहुत मज़ेदार बहुत मस्त होता है। सब्जी एक दो बार आप ले सकते हैं कि 10 रुपये में 6 पूड़ी देती हैं आज के महंगाई के समय में भी। तो चलिए हम लोग उनका मतलब पूड़ी खाते हैं और देखते हैं किस प्रकार का स्वाद है दोस्तों। क्योंकि 10 रुपये में 6 पूड़ी तो हमने अभी तक नहीं खाया, इस समय तो मैं नहीं खा रहा हूँ, 2022 में खाती हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, लक्ष्मी पाल से मिलते हैं और उनके पूड़ी और सब्जी के बारे में जानते हैं। कमाल की बात है कि वो 10 रुपये में 6 पूड़ियाँ देती हैं। चलिए चलते हैं, लक्ष्मी पाल से मिलते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों चैनपुर वाराणसी, और सामने ही बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसी बैंक और बड़ौदा के मेन ऑफिस के सामने ही एक छोटी सी गोमती है दोस्तों। इसी छोटी सी दुकान में दोस्तों लक्ष्मी जी जो है अपनी फूड शॉप चलाती हैं। वे 10 रुपए में 6 पूड़ियां और सब्जी देती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों लक्ष्मी जी की फूड शॉप का स्वाद लेते हैं और उनके फूड स्टॉल के बारे में और लाइफ के बारे में भी जानते हैं दोस्तों। कैसे बेचती है दादी ये? छह पूरी 10 रुपए का, और सब्जी अलग मतलब देती है उसी में। ले क्या चाहिए? दो पीस है। दस रुपये में भैया, जैसे मान लीजिए 10 रुपये में अगर पूरी मिले और सब्जी भी मिले, बताइए कि सस्ता नहीं है आज के ज़माने में? सर कोई नहीं देता इधर। हाँ, कोई नहीं देगा, बाहर भी नहीं कोई देगा, यहाँ छोड़ो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। तो दादी कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम कलकत्ता से। कलकत्ता से? तो यहाँ पर आकर रहती होंगी ना? कहाँ रहती है यहाँ पर? कहाँ रहती है? जमीन है, हमारा घर है। कहाँ पर? थाना का पीछे अच्छा। घर है। अपना घर है? अपना घर है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। सुबह कब बजे लगाती? 5 बजे आती है भाई यहाँ। अच्छा। कभी 6 बज जाता है। अच्छा। उसके बाद 2 घंटा लगता है सफाई में। अच्छा अच्छा। हाँ, सफाई भाई करती हैं उसके बाद? सफाई, सब्जी बनानो, रस बनानो। आप कब तक लगाती हैं? हमारा कोई ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारा तो भी ठीक रहा तो 7 तक, तो भी ना ठीक रहा चल। अच्छा अच्छा। यही बात है, खुला रहता रात को 10 बजे तक चलाती होती है। हाँ हाँ। जब हमारा आदमी था, अब ऐसा नहीं करने चाहती, हम भी उतना नहीं पढ़ती पहले का माफी। अच्छा अच्छा। जितना पढ़ती उतना भेजना कर। तो सब्जी तो अलग अलग बनाती होंगे प्रतिदिन? सब्जी बनाया था सुबह, खत्म हो गया था, अभी थोड़ा सोयाबीन डाला। अच्छा, सोयाबीन डाला। और ये कौन है, आप कौन भैया? हमारा पोता का, उसका बेटा का। अच्छा। आप भी मतलब बनाती है? हेल्प करती है जैसे कभी आ गई तो? जैसे ये जा रहा है तो बुला लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। रेगला हमसे तो होगा नहीं। नहीं, 10 रुपये में 6 पूड़ी देती हैं, कैसा लगता है? सही है, फायदा तो हो जाता है। चलिए, क्या नाम है आपका? अपर्णा पाल। अच्छा, अपर्णा पाल। इतना आदमी है, हमारा आदमी के सब जानता है, हमारा आदमी का चलते दुकान चलता है। नहीं तो लोग जानते हैं तभी लोग आते हैं ना इतना। हाँ, सब इस समय बनारस शहर में अगर मालिक 10 रुपये में 6 पूड़ी मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, दे देती है, कौन सा आगे पीछे है, जब तुमको करना है तो अपना से। हाँ। करना। ये दादी जी जो है मतलब खास तौर से 6 पूड़ी देखिए क्या बन रहा है ये, और 10 रुपये में 6 पूड़ी बनाती हैं खास। में अगर मतलब 10 रुपये में 6 पूड़ी मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, और कभी भी अगर खाना हो तो। ये कौन सा जगह है दादी? चांदपुर चौराहा। चांदपुर चौराहे में मतलब कि 10 रुपये में 6 पूड़ी मिलता है। सबसे तो जानकारी है मोती फैक्ट्री। हाँ, मोती फैक्ट्री के पास ही मिलता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ही मतलब इनका जो है कि दुकान है। 10 रुपये में 6 पूड़ी देती हैं, 10 रुपये में 6 पूड़ी देती हैं, और साथ साथ सब्जी भी आपको मिलेगा, जितना आप चाहेंगे उतना बार मिलेगा, लेकिन सब्जी मिलता है उसके साथ साथ भरपूर। और कभी भी खाना हो तो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के पास चांदपुर में अगर आइए
तो इनका जो है 10 रुपये में 6 पूड़ी खाइए, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो चलिए हम लोग भी मतलब था इनका पूड़ी चखते हैं, देखते हैं किस प्रकार स्वाद है। और ये दादी जी का सब्जी है लक्ष्मी पाल जी का, लेकिन बहुत ही बढ़िया, कितना मस्त मस्त, और सोयाबीन भी डाली है इसमें, गोभी भी सब डाली है। कितना मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत मस्त, कितना गाढ़ा, कितना मस्त। चांदपुर में और यहाँ पर जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, मतलब कि बैंक का ऑफिस है, और यहाँ पर जो है 10 रुपये में 6 पूड़ी मिलती है और सब्जी के साथ मिलता है। तो ये लक्ष्मी पाल जो है मतलब कि दुकान लगाती हैं, और बहुत बढ़िया मतलब यहाँ पूड़ी देती हैं, बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पर है, 10 रुपये में 6 पूड़ी मिलता है यहाँ पर। कभी अगर खाना हो तो यहाँ पर आकर मतलब आप खा सकते हैं। इसीलिए तो आपको बोला था सुबह आइए। हाँ, सुबह आने से ना टेस्ट अलग रहता है। हाँ, दोबारा सब्जी बनाने से टेस्ट थोड़ा कम रहता है। तो ये मतलब सब्जी किस चीज़ का है दादी? ये है गोभी, आलू, सोयाबीन, चना। अच्छा अच्छा, तो ये सब्जी है, और उसके बाद ये 6 पूड़ी मिलेगा हमको खाने के लिए। आप देख लीजिए, गिन के देखती हैं तो अच्छा, देखिए गिन लीजिए, आप सामने दिखाइए, तो सामने दिखाइए और इच्छा कर लीजिए। हाँ गिनिए दादी, एक उठे तीन से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूड़ी है, और ये सिर्फ 10 रुपये में दोस्तों। कभी भी खाना हो तो यहाँ पर आके खा सकती हैं। लक्ष्मी पाल का नामक मतलब जो है कि ये दादी जो है कि अपना ये सब्जी मतलब कि पूड़ी चलाती हैं। कभी भी खाना हो तो यहाँ पर आइए, और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास इनका दुकान है। तो ये सब्जी है दोस्तों खास तौर से, और ये जो है 6 पूड़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये सिर्फ 10 रुपये में दोस्तों। चलिए लक्ष्मी पाल जी का दुकान है यहाँ पर, और ये चांदपुर है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आके आप जो है कि सिर्फ मतलब यहाँ पर आके आप 6 पूड़ी खा सकते हैं। चलिए इनको खा के हम लोग स्वाद लेते हैं, और ये जो है चांदपुर में मिलता है लक्ष्मी पाल जी की दुकान पर दोस्तों। 6 पूड़ी और साथ साथ जो है कि ये सोयाबीन की सब्जी है, आलू की सब्जी है, और सब्जियाँ बदल बदल मिलती हैं। चलिए इनका स्वाद लेते हैं। दस रुपये में 6 पूड़ियाँ देती हैं ये जो है कि लक्ष्मी पाल जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वाद, बहुत बढ़िया है, और सब्जी वब्जी मतलब कि भरपूर मात्रा में, एकदम तीखा और मस्त है दोस्तों। कभी खाना हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जो है चांदपुर वाराणसी में अगर आएंगे तो यहाँ 10 रुपये में 6 पूड़ियाँ आपको मिल जाएंगी खाने की दोस्तों। और पहले 10 रुपये में 10 पूड़ी देती थी, अब महंगाई की वजह से 10 रुपये में 6 पूड़ी देती है, वही बहुत ही सस्ता। हम कह सकते हैं कि बनारस में क्या पूरे भारत में 10 रुपये की 10 पूड़ी कोई, 10 रुपये में 6 पूड़ी कोई नहीं देगा। अच्छा, बस खास जो जितना हो जाता है उतना करती है। अच्छा अच्छा समोसा भी बनाता हूँ, बहुत बढ़िया समोसा सब बनाती है। अब समय नहीं मिलता है तो क्या बनाए? समय नहीं मिलता, हमारे शरीर तो ये है दोस्तों जो है कि लक्ष्मी पाल जी का मतलब कि 10 रुपये में 6 पूड़ियाँ देती हैं, और कितना मस्त, कितना बढ़िया भी लग रहा है, और बहुत खास मतलब कि ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही सस्ता, बहुत ही मतलब कि लाजवाब पूड़ी बनाती हैं, और बहुत दूर से लोग खाने के लिए आप आते हैं दोस्तों। बराबर आती है हाथ बटाने के अभी लड़का गया फोन करे। अच्छा अच्छा, बुला लिया, लड़की भी करते हैं। चलिए ठीक, आप ही गया हॉस्पिटल। अच्छा, बच्चा तो 20 साल से मतलब लगी हुई है इसका, आप इससे ऊपर है। तो आप कलकत्ता में कहाँ रहती थी दादी? आप कलकत्ता में, हमारा नोदिया शांतिपुर। अच्छा शांतिपुर, तो आप कभी जाती हैं कि नहीं वहाँ? जाती है, अभी कम जब तक हमारा आदमी वर्ग का कम जाती है। अच्छा अच्छा, आप लोग आपके मतलब रिश्तेदार में रहते होंगे? रिश्तेदार में हाँ, ननद है, भाई है, भाभी है। हाँ हाँ, लेकिन बहुत दूर से नहीं गया। कभी 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 आते भी हैं लोग? हाँ आते हैं। क्यों नहीं, सही बात। ये आपके आदमी हैं? हाँ, पूरी बात। क्या नाम था इनका? गोपाल पाल। गोपाल पाल, यही मतलब शुरुआत किए थे, और आप इसका मतलब परंपरा निभा रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। ये चूल्हा का है ना, उनका चूल्हा अभी तक है। अच्छा अच्छा, उसी उन्हीं का है। कितने साल हो गया डेथ हुए? कम से कम 7 साल, 6-7 साल, 6-7 साल हो गया।
इस वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा दोस्तों, इससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.